डियर एस्पिरेंट, जॉब अपडेट में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी आई है इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए और एक एमएससी ग्रेजुएट्स के लिए आरसीएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। सैलरी अच्छी है पर नंबर आप वैकेंसी देख के ना रोना आ गया। मतलब लिटरली यार, लास्ट टाइम इतनी सारी वैकेंसी थी और इस टाइम सारा कट कर दिया। तुम्हें पहले मैं वही दिखा देता हूँ भाई कि लास्ट टाइम इन्होंने कितनी वैकेंसी निकाली थी। यहाँ पे देखो, ये है एडवर्टीजमेंट पहले वाला, मतलब 2020 वाला। यहाँ पे देखो अब वैकेंसी कितनी निकली है भाई। पहली पोस्ट है केमिकल वाली, 60 वैकेंसी। दूसरी जो पोस्ट है आपकी वो है बॉयलर के लिए, इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेज एलिजिबल होती है बट आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है बॉयलर का। इस बार भी इस पर पोस्ट है बट नंबर ऑफ वैकेंसी देखना आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48 मैकेनिकल की, इस बार केवल दो वैकेंसी है, दो, मात्र दो, और दो लास्ट टाइम की बैकलॉग वैकेंसी है। मतलब क्या ही चल रहा है भाई, निकालना ऐसे तो ना ही निकालो यार। मतलब देख के लिटरली ऐसे रोना आया ना, मुझे लगा कि भाई सारे रो रहे हैं, नेता, एमपी, एमएलए, विधायक सारे रो रहे हैं तो हम भी रो लेते हैं, क्या मालूम कुछ चमत्कार हो जाए। नेता पहले रो लेंगे, इलेक्शन होगा तो उनके सपने में श्री कृष्ण भगवान आने लगेंगे, किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे, किसी को प्रधानमंत्री बना देंगे, और हमारा यहाँ पे कट रहा है। हमारे लिए ना ही वैकेंसी आ रही है ना ही इलेक्शन आ रहा है। खैर, यहाँ पे आप देखोगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, इनकी 35-30 बार है ही नहीं, गायब हो गई इनकी, खत्म, स्वाहा। मतलब ऐसे देख लो, सारे ब्रांचेज के अराउंड अराउंड अच्छी वैकेंसी थी, पर इस बार की हालत देखिए आप। इस बार की हालत ऐसे है, लग रहा है कि क्या है? केमिकल की तो चलो फिर भी कंसिडरेबल है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी कम होते हैं और वैकेंसी भी चलो ठीक है, लास्ट टाइम इतनी नहीं है बट 14 है। बट मैकेनिकल का देखो भाई, लिटरली मतलब टोटल 4 वैकेंसी, उसमें दो पीडब्ल्यूडी वालों की बैकलॉग है, लास्ट टाइम नहीं मिले थे तो इस बार निकाल दिया, दो वैकेंसी। मतलब कितना कमी से जूझ रहे हैं यार हमारे प्लांट्स, मतलब कितने कम इंजीनियर चाहिए उनको। बॉयलर वालों की 4 वैकेंसी, इसमें सारी ब्रांच में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसी तरीके से सेफ्टी वालों की 2 वैकेंसी आई हुई है, इसमें तो आपको बीटेक ही चाहिए होता है सेफ्टी से रिलेटेड। फिर यहाँ पे आप देखो बाकी सारे सब में, मतलब दो तीन सिविल की भी 3 वैकेंसी आई हुई है, और बाकी भी देख लो आप, 1 वैकेंसी है फायर वालों की। खैर, फायर वाले तो पता नहीं कहाँ मिलते हैं। एमएससी की 2 वैकेंसी है, इस तरह उसमें भी 1 बैकलॉग की है। मतलब इतनी किल्लत वैकेंसी की। खैर, किल्लत को छोड़ते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो वही डिस्कस कर सकते हैं जिसपे वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि नहीं दम है, लड़ सकते हैं, हमारे पास हथियार बढ़िया है, भले ही वैकेंसी कम है मगर हथियार इतना बढ़िया है या वेल प्रिपेयर्ड है कि सक्सीड हम ही करेंगे, अगर ऐसा जोश है तो आप भर सकते हो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सैलरी तो है ही, दिखाई दिया मैंने, मतलब 77,000 सैलरी कम नहीं होती, और भरना चाहते हैं तो 29 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक फॉर्म ओपन रहेगा, भर सकते हैं जिसका मन हो। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार जाके देना तो चाहिए, खुद को टेस्ट तो करना चाहिए कि एक्चुअल एग्जाम में बैठ के ये जो दिमाग है ये चल रहा है कि ब्लॉक हो जा रहा है, पता तो चलेगा ना। फिर इसके बाद यहाँ पे वो सारी डिटेल जो मैं आपको पहले बता रहा था, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो आपको मैंने एडवर्टीजमेंट में दिखाया है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे ये जो एमई लिखा हुआ है ना, मतलब आप जिस स्ट्रीम में हो उसी में फिलअप कर सकते हो, एलाइड ब्रांच वाले एलिजिबल नहीं है, जैसे मैकेनिकल में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाले नहीं फिलअप कर सकते, वैसे ही दूसरी ब्रांच में अगर आपके पास कोर ब्रांच नहीं है, उससे एलाइड ब्रांचेज हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। एक बात और, बाद में क्या मालूम भूल जाऊँ, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो एज है और क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है 1 मार्च 2022 से कंसिडर करेंगे, तब तक तो आपका रिजल्ट आया नहीं रहा होगा। हो सकता है आपका जो मतलब अभी पास आउट हुए हैं जुलाई अगस्त में, जिनका रिजल्ट आया होगा, अगस्त तो आया नहीं, खैर जून जुलाई में जिनका रिजल्ट आया होगा, वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये कंसीडर करेंगे मार्च से। खैर कोई बात नहीं, बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस से भर रहे हो, पता नहीं सीट है या नहीं, अगर होगी तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना इनकम वाला, वो देख लो इस डेट के बाद का बना होना चाहिए। ये कुछ बेसिक जरूरत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 60% मार्क्स होने चाहिए आपके फाइनल ईयर में, बीटेक फाइनल ईयर में, और एससी कैटेगरी के लिए ये मार्क्स 55% होना चाहिए। और सच कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और चीज़ें मैंने मेंशन कर रखा है जो आपके लिए ज़रूरी हैं।
अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो एक साल की ट्रेनिंग होगी और वहां पे आपको सैलरी दिया जाएगा 30,000 रुपए। इसके बाद आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग में E1 ग्रेड में, और यहां पे आपको सैलरी जो मैंने इससे पहले दिखाया था 77,400, मतलब एक बढ़िया सी सैलरी, एक बढ़िया से लोकेशन में रहने को भी मिलेगा। मतलब इनका जो प्लांट होता है ना, एकदम खुली हवा में होता है, जहां पे आप अच्छे से सांस नहीं ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा पोल्यूशन भी फैलाते हैं ये, क्योंकि प्रोडक्शन होता है तो वहां पे पोल्यूशन भी निकल रहा होता है। और इसके बाद आपको 1,00,000 रुपये का बॉन्ड भी देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, 4 ईयर का ये बॉन्ड रहेगा। उससे पहले सर्विस छोड़ते हो तो 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा। सर्विस छोड़ने के लिए पहले सर्विस लेना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं आपके टेस्ट का। टेस्ट बेसिकली जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 90 मिनट का ये टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन आपके ब्रांच से रहेंगे, इसका 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब 100 नंबर का ये हो गया। और 50 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड और GK, इंग्लिश, करेंट अफेयर, रीजनिंग, इससे रिलेटेड रहेंगे, ये है आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल आपका ये 150 मार्क्स का रिटेन हो जाएगा। अब ये मान के चलो आपको 70% से ऊपर मार्क्स ले आओगे आप, तब जाके आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू के लिए 1:7 का रेशियो इन्होंने रख रखा है, एक पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। अब अगर वेटेज की बात करें तो रिटेन में अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में थोड़े कम भी रहेंगे तो चलेगा, मगर 50% से कम ना हो जाए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया है यहाँ पे 50%। इंटरव्यू में इससे कम रहेगा तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम, ठीक है। बाकी 20% वेटेज हैं, 20% ही उसका कंसीडर किया जाएगा आपके मेरिट लिस्ट में, बट क्वालिफिकेशन आपके पास चाहिए 50% का, ठीक है। 80% आपके रिटेन में चाहिए, बाकी ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको पता होना चाहिए। टेस्ट सेंटर ये जो मेंशन कर रखा है उसके अलावा और कहीं पे नहीं होगा। थोड़ा नंबर ऑफ सिटीज कम है, इनको लगता है कम कैंडिडेट जाते हैं, अब कम वैकेंसी रहेगी तो कम ही जाएंगे। उसमें भी लिख रखा है अगर किसी सेंटर पे कम लोग हैं तो हम मर्ज कर देंगे सेंटर को, कर देना मर्ज भाई। एक चीज और बताते चलें, कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हों, पर समझ लो राष्ट्रभाषा हमारे देश की कुछ नहीं है, और ये हम बड़े गर्व से कहते हैं। हमको समझ में नहीं आता है किस बात का गर्व, बना लो यार, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है उसको किस बात का गर्व, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ये हमारी राजभाषा है, मतलब नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं इनको ना, तो इन दोनों में पेपर आएगा आपको। वैसे हमारी एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी सोच के हिसाब से, मैं तो कहता हूँ कुछ भी बना लो, लड़ो मत, जो बना लो सीख लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा पढ़ लिख के सीख लेंगे, जो भी लैंग्वेज बनाओगे नेशनल लैंग्वेज बना लो। यहाँ पे बुक्स है आपको, अगर आप मतलब ये तो आप ले ही सकते हो, RS अग्रवाल ठीक ठाक बुक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, और बुक जनरली परचेज करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास है एप्टी रीजनिंग के लिए आप उसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन घूम फिर के वही आने वाला है, फंडा आपका क्लियर रहेगा तो कर पाओगे। GK करंट अफेयर के लिए मुझे लगता है अरिहंत पब्लिकेशन ठीक है, आप उसको ले सकते हो। इंग्लिश के लिए मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा, इवन GK के लिए अगर आप अरिहंत पढ़ते हो उसके साथ यूट्यूब वीडियो भी देखते रहना, लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री होता है इसका मतलब कंटेंट खराब नहीं होता है, पढ़ना है आपको, वो भी आपका उसमें भी ज्ञान बढ़ेगा। इसके लिए इंग्लिश पे आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो, यूट्यूब पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे, बहुत सारे जगह आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, काम चल जाएगा, मटेरियल बहुत है, पढ़ना आपको है। जो आपका कोर है, वैसे तो सारी ब्रांचेज में YCT पब्लिकेशन की बुक आती है, ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इन्होंने थोड़ा मेहनत करके कलेक्शन कर दिया, डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कलेक्शन हो गया है, वही क्वेश्चन घूमते रहते हैं थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके, एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दे रखा है, तो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, आपको पढ़ना आसान होता है। बाकी दूसरी कोई MCQ है आपके पास तो भी फॉलो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये आप खरीदो। खुरमी है तो थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से, बट अब धीरे धीरे खुरमी का ट्रेंड खत्म हो गया है क्योंकि अब बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गई हैं, बहुत सारे मटेरियल आ गई हैं, तो एग्जामिनर को एक बुक लेके बैठना नहीं होता है, वो भी बुक लेके बैठेगा तो उसको टाइप करना पड़ेगा, ऑनलाइन तो कॉपी पेस्ट ही करना है, तो वो ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ जो पेपर सेट करते हैं उनकी बात, ठीक है। तो ज़्यादा खुरमी पर रिलाई नहीं कर सकते हो, अगर है पढ़ा है तो एक आध बार रिवाइज कर लेना, नहीं है तो YCT इज द मोर देन सफिशियंट, या दूसरी कोई पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर, क्योंकि नियर अबाउट सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, जो कोचिंग्स हैं ऑनलाइन उनके भी आते हैं, तो आप किसी का भी ले सकते हो जिसका सस्ता सुंदर टिकाऊ मिल जाए आपको, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना जिसका ठीक ठाक हो वो आप परचेज कर सकते हो।
मैंने ये देखा हुआ है, इसलिए हर जगह मैं ये रिकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इनका एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है, क्वेश्चन का कलेक्शन देखा हुआ है, तो ठीक ठाक है, आप कर सकते हो इसको। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।